बहुत अच्छी मूवी है, एक्शन अच्छा है, एक्टिंग भी अच्छा है, एक्शन एक्शन ज़्यादा है, अच्छी है। स्टार फोर स्टार बहुत अच्छी, वेरी गुड, टाइगर इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। 4.5 तो दे ही दो यार, 5 दे नहीं सकते। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया थी सब, बहुत सही यार, मतलब सेकंड पार्ट तो उसमें अच्छे रहे, सुपर्ब। फोर दे दिया, किस से भी गए लगी, ओके ओके, ही वाज स्लीपिंग इन द मूवी, दिस इज द रिव्यू, नहीं सीरियस, दिस इज ओके, लाइक 2.5। बहुत अच्छी थी वो भी, बहुत अच्छी, 5। इट वाज गुड बट नॉट एज पर एक्सपेक्टेशंस, आउट ऑफ 5 वी विल गिव 3। 3 वाज गुड, एक्शन बहुत अच्छा था, टाइगर का पूरा एक्शन बहुत अच्छा था। केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी पर ज़्यादा उन्होंने दिखाई नहीं, पूरे जो लव स्टोरी पूरी जो गाने में ही पूरा सेटअप कर दिया, बट इट वॉज ओवरऑल गुड। 3। सॉन्ग्स भी बहुत अच्छा था और केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी दोनों की। नहीं मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि इमोशनल सीन्स इतने खास नहीं थे टाइगर के, इसलिए मेरे को इतना खास नहीं लगा उसका। 3.5। बहुत अच्छी मूवी थी, वॉज अ ग्रेट मूवी, वर्थ वॉचिंग है, बहुत सारा एक्शन है, लास्ट तक एक सस्पेंस रहेगा, तो अच्छी मूवी है बहुत। हाँ मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी वैसे मूवी के लिए, बट अच्छी लगी मेरे को, सबको अच्छी लगी। दोनों वैसे तो एक्शन बहुत सारा है, तो कुछ केमिस्ट्री मतलब रोमांस वगैरह इतना नहीं है, बट केमिस्ट्री वॉज गुड, इतना ठीक ठाक। 3.5। मूवी अच्छी हुई थी। क्या सर उतनी अच्छी नहीं लगी, पूरी मूवी टाइगर साहब के सराउंडिंग ही घूमती थी। मुझे मोहिनी का आइटम सॉन्ग उतना अच्छा नहीं लगा, बाकी सॉन्ग अच्छे थे, अच्छी थी। आउट ऑफ 5 3 स्टार, 1 टाइम मूवी। मूवी इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड, एक्शन बहुत अच्छा था, डायरेक्शन बहुत अच्छा था, और टाइगर श्रॉफ का लुक बहुत अच्छा था, रफ लुक बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है लगभग उतरना चाहिए, क्योंकि काफ़ी उम्मीद थी मुझे भी, मैं इसीलिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आया, क्योंकि ट्रेलर बहुत अच्छा था और मूवी भी बहुत अच्छी है, सीन्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री, दोनों बहुत स्वीट लग रहे थे। वो नहीं पसंद आया मुझे, क्योंकि उसको आई थिंक मुझे लगता है रीमेक नहीं करना चाहिए, या करना था तो बहुत अच्छे से पिक्चराइजेशन करना था उसका, लेकिन 4। एक्सलेंट। इन दिस फिल्म आई रियलाइज दैट उसका बॉडी फ्रेमिंग जो है हीरो का, यस दैट वाज अमेजिंग, विच आर नेवर सीन बिफोर दिस। डेफिनेटली वो एफर्ट्स दिख रहे हैं। सॉरी, सुपर्ब एज यूजुअल, हमेशा की तरह वो स्टार है, स्टार ही रहेंगे, देयर इज नो डाउट। आई विल गिव 4, श्योरली। कैसी लगी? बहुत शानदार मूवी थी। दोनों की एक्टिंग बहुत शानदार है, दोनों केमिस्ट्री बहुत सुपर्ब है। एक्टिंग की बात करें तो जितने भी रोल थे, जैसे प्रतीक बब्बर का रोल था, मनोज वाजपेयी का था, जैकलिन फर्नांडिस का डांस था, उसके बाद में दिशा पाटनी था, और जितने भी एक्टर्स थे सबकी एक्टिंग बहुत शानदार थी, मजा आया मूवी में, बहुत शानदार मूवी। उससे ज़्यादा खरी उतर, देखने के बाद में पता चलेगा, मूवी सस्पेंस है पूरा, लास्ट तक सस्पेंस है मूवी में, जब भी जाएंगे देखो उसके बाद में मालूम पता चलेगा। बराबर बराबर उतर पाई, सेम आइटम दिया था उसने, आइटम नंबर सुपर लगा ना, बोला ना जैकलिन फर्नांडिस का स्पेशल थैंक्स जो दिया उनने, वो सुपर था उसमें, गाने में जो जान डाल दी उस मूवी में।
खास चीज़ यही थी कि एक जब बागी क्यों बनता है, एक बच्ची के लिए वो बागी बन गया और लास्ट तक उसने सुपर किया। 5/5 मूवी काफ़ी अच्छा था। टाइगर का एक्टिंग पहले से काफ़ी अच्छा है इस बार, और पिछली जो मूवी थी बागी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अभी जो बागी 2 आई है काफ़ी बेटर है उससे, और एक्टिंग भी काफ़ी अच्छा है, गाने बहुत अच्छे हैं इसके। 1-2-3 वाला गाना अच्छा है, उसके बाद में मुझे अल्लाह वाला गाना अच्छा लगा, और इसमें जो फाइट सिक्वेंस था वो हॉलीवुड टेस्ट था, कुछ डिफरेंट था, और जो एंट्री हुई थी ना इसकी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी टाइगर की। लेकिन उसके बाद जब रणदीप हुड्डा का एंट्री हुआ एकदम भाई वाला, तो वो मुझे बहुत 4 चांद लग गए उसके बाद मूवी में। मैंने जितना एक्चुअली मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी का नहीं पता है, जितना मैंने किया था, सोचा था कि इतना अच्छा मूवी होगा, उतना काफ़ी अच्छा भी नहीं था, बट बहुत अच्छा था। खास तो है डेफिनेटली यार, खास तो है। सबसे खास मुझे बच्ची का कैरेक्टर लगा यार, एक्चुअली अगर उसी के ऊपर सारी मूवी, अगर बच्ची ना होती तो शायद वो मूवी इतना अच्छा भी ना होता। 4 स्टार। थैंक यू सो मच। फिल्म वॉज नाइस, स्टोरी लाइन भी अच्छा है, डायरेक्शन ठीक है, एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। गोइंग टू एक्सपेक्टिंग अ फैमिली एंटरटेनमेंट, टाइगर हैज़ वर्क रियली हार्ड, एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा। काफ़ी दिखाई दी है, लेकिन मतलब नॉट अप टू द मार्क, 3/5 सही है। मतलब अभी लाइक आई एम अ टाइगर फैन, तो मेरे एक्सपेक्टेशंस कम है, लेकिन था आई वाज रियली हैप्पी। एक्शन इज अ प्लस पॉइंट, एक्शन मतलब मेरिट है फिल्म का, एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा दिया, क्लाइमैक्स सीक्वेंस पूरा जो शूट हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुली शूट हुआ है। मतलब जैकलीन आई लव जैकलीन, लेकिन अननेसेसरी लगा मुझे फिल्म में, क्यों उसे अननेसेसरी बीच में डाला गया उसको। माधुरी ऑल टाइम फेवरेट है, एवर ग्रीन है माधुरी दीक्षित, उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। या डेफिनेटली गो इन फॉर वॉचिंग, एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, डांस बहुत ज़्यादा अच्छा है, म्यूजिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्टोरी लाइन और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, लेकिन जस्ट गो इट वन टाइम वॉच इट, डेफिनेटली 3/5। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, आपकी फिल्म द ग्रेट लीडर आ रही है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं, तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।